प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अताह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इबलीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अताह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैल कर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग के झील में डाला गया। यशाया 28 अध्याय। घमंड के मुकुट पर हाय जो प्रेम के मतवालों का है, और उनकी भड़कीली सुंदरता पर जो मुरझाने वाला फूल है, जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर दाखमधु से मतवालों की है। देखो, प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थ्य है जो ओले की वर्षा या उजाड़ने वाली आंधी या बाढ़ की प्रचंड धार के समान है। वह उसको कठोरता से भूमि पर गिरा देगा। ए प्रेमी मतवालों के घमंड का मुकुट पाँव से लताड़ा जाएगा, और उनकी भड़कीली सुंदरता का मुरझाने वाला फूल जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर है, वह कृष्म काल से पहले पके अंजीर के समान होगा जिसे देखने वाला देखते ही हाथ में ले और निकल जाए। उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा, और जो न्याय करने को बैठते हैं उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा, और जो चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को नगर के फाटक से हटा देते हैं उनके लिए वह बल ठहरेगा। ये भी दाखमधु के कारण डगमगाते और मदिरा से लड़खड़ाते हैं। याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाखमधु ने उनको भुला दिया है। वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भी भटक जाते और न्याय में भूल करते हैं, क्योंकि भोजन के सब आसन वमन और मल से भरे हैं, कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा। वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं? क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, वो तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना न चाहा,
इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जिससे वे ठोकर खाकर चित्त गिरे और घायल हो जाए और फंदे में फंसकर पकड़े जाए। इस कारण ही ठट्टा करने वालों, यरूशलेम वासी प्रजा के हाकिमों, यहोवा का वचन सुनो। तुमने कहा है, हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान बढ़ आए तब हमारे पास न आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं। इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। और मैं न्याय को डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है वह टूट जाएगी और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई वह न ठहरेगी। जब विपत्ति बाढ़ के समान बढ़ आए तब तुम उसमें डूब ही जाओगे, जब जब वह बढ़ आए तब तब वह तुमको ले जाएगी। वह प्रतिदिन वरन रात दिन बढ़ा करेंगी और इस समाचार का सुनना ही व्याकुल होने का कारण होगा, क्योंकि बिछौना टांग फैलाने के लिए छोटा और ओढ़ना ओढ़ने के लिए सकरा है। क्योंकि यहोवा ऐसा उठ खड़ा होगा जैसा वह पराजिम नामक पर्वत पर खड़ा हुआ और जैसा गिबोन की तराई में उसने क्रोध दिखाया था, वह फिर क्रोध दिखाएगा, जिससे वह अपना काम करे जो अचंभित काम है और वह कार्य करे जो अनोखा है। इसलिए अब तुम ठट्टा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे, क्योंकि मैंने सेनाओं के प्रभु यहोवा से यह सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया है। कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगा फेरता रहता है? क्या वह उसको चौरस करके सौंफ को नहीं चितराता, जीरे को नहीं बखेरता, और गेहूं को पांति पांति करके, और जौ को उसके निज स्थान पर, और कटिए गेहूं को खेत की चोर पर नहीं बोता? क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। दावने की गाड़ी से तो सौंफ दाई नहीं जाती और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परंतु सौंफ छड़ी से और जीरा सोंटे से झाड़ा जाता है। रोटी के अन्न की दावनी की जाती है, परंतु कोई उसको सदा दावता नहीं रहता, और न गाड़ी के पहिए न घोड़े उस पर चलाता है, वह उसे चूर चूर नहीं करता। यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। यशाया 29 अध्याय। हाय अरियेम, अरियेल, हाय उस नगर पर जिसमें दाऊ छावनी किए हुए रहा। वर्ष पर वर्ष जोड़ते जाओ, उत्सव के पर्व अपने अपने समय पर मनाते जाओ, तो भी मैं तो अरियेल को संकट में डालूंगा। वहां रोना पीटना रहेगा और वह मेरी दृष्टि में सचमुच अरियेल सा ठहरेगा। मैं चारों ओर तेरे विरुद्ध छावनी करके तुझे कांटों से घेर लूंगा और तेरे विरुद्ध गढ़ भी बनाऊंगा। तब तू गिराकर भूमि में डाला जाएगा और धूल पर से बोलेगा, और तेरी बात भूमि से धीमी धीमी सुनाई देगी। तेरा बोल भूमि पर से प्रेत का सा होगा और तू धूल में से गुनगुना कर बोलेगा। तब तेरे परदेशी बैरियों की भीड़ सूक्ष्म धूल के समान और उन भयानक लोगों की भीड़ भूसे के समान उड़ाई जाएगी। सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजाता, भूमि को कंपाता और महाध्वनि करता, भवंडर और आंधी चलाता और नष्ट करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा। और जातियों की सारी भीड़ जो अरियेल से युद्ध करेगी और जितने लोग उसके और उसके गढ़ के विरुद्ध लड़ेंगे और उसको संकट में डालेंगे, वे सब रात के देखे हुए स्वप्न के समान ठहरेंगे। और जैसा कोई भूखा स्वप्न में तो देखता है कि वह खा रहा है, परंतु जागकर देखता है कि उसका पेट भूखा ही है, या कोई प्यासा स्वप्न में देखे कि वह पी रहा है, परंतु जागकर देखता है कि उसका गला सूखा जाता है और वह प्यासा मर रहा है, वैसे ही उन सब जातियों की भीड़ की दशा होगी जो सियोन पर्वत से युद्ध करेंगी। ठहर जाओ और चकित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो है परंतु दाखमधु से नहीं,
वे डगमगाते तो है परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है, इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कह कर दे इसे पढ़ और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि वह मुहर बंद की हुई है, तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कहकर दी जाए इसे पढ़ और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। प्रभु ने कहा ये लोग जो मुँह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूँगा, तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने को बड़ा यत्न करते और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं हमको कौन देखता है हमको कौन जानता है, तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा, क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे उसने मुझे नहीं बनाया, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे वो कुछ समझ नहीं रखता, क्या अब थोड़े ही दिनों के बीतने पर लबानोन फिर फलदाई बारी न बन जाएगा और फलदाई बारी जंगल न गिनी जाएगी। उस समय बहिरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे, नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे और दरिद्र मनुष्य इज़राइल के पवित्र के कारण मगन होंगे, क्योंकि उपद्रवी फिर न रहेंगे और ठट्ठा करने वालों का अंत होगा और जो अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं, जो मनुष्यों को बातों में फंसाते हैं और जो सभा में अन्याय करने वाले के लिए फंदा लगाते और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं वे सब मिट जाएंगे। इस कारण अब्राहम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय यूँ कहता है याकूब को फिर लज्जित होना न पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा न होगा, क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे जो मैं उनके बीच में करूँगा तब वे मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे, वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे और इज़राइल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। उस समय जिनका मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे और जो कुड़कुड़ाते हैं वे शिक्षा ग्रहण करेंगे। यशाया 30 अध्याय। यहोवा की यह वाणी है हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं, वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन के रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में शरण ले, इसलिए फिरौन का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। उसके हाकिम सोवन में आए तो हैं और उसके दूत अब हानेस में पहुँचे हैं, वे सब एक ऐसी जाति के कारण लज्जित होंगे जिससे उनका कुछ लाभ न होगा, जो सहायता और लाभ के बदले लज्जा और नामधराई का कारण होगी। दक्षिण देश के पशुओं के विषय भारी वचन, वे अपनी धन संपत्ति को जवान गधों की पीठ पर और अपने खजानों को ऊँटों के कुबड़ों पर लादे हुए संकट और सकेती के देश में होकर जहाँ सिंह और सिंघनी नाग और उड़ने वाले तेज विषधार सर्प रहते हैं उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनसे उनको लाभ न होगा, क्योंकि मिस्र की सहायता व्यर्थ और निकम्मी है, इस कारण मैंने उसको बैठी रहने वाली रहब कहा है। अब जाकर इसको उनके सामने पत्थर पर खोद और पुस्तक में लिख कि वह भविष्य के लिए वरन सदा के लिए साक्षी बनी रहे, क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लड़के हैं जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। वे दर्शियों से कहते हैं दर्शी मत बनो और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबुवत मत करो, हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाली नबुवत करो, मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो और इज़राइल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। इस कारण इज़राइल का पवित्र यो कहता है तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो, इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग होगा जो फटकर गिरने पर हो और वह अचानक पल भर में टूट कर गिर पड़ेगा और कुम्हार के बर्तन के समान फूट कर ऐसा चकनाचूर होगा कि उसके टुकड़ों का एक टिकरा भी न मिलेगा जिससे
अंगीठी में से आग ली जाए या हौद में से जल निकाला जाए। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यो कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने कहा, नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे इसलिए तुम भागोगे, और यह भी कहा, हम तेज सवारी पर चलेंगे इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज होंगे। एक ही की धमकी से 1,000 भागेंगे और 5 की धमकी से तुम ऐसा भागोगे कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी के डंडे या टिले के ऊपर की ध्वजा के समान रह जाओगे जो चिन्ह के लिए गाड़े जाते हैं। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी न रोओगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे, और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिनी या बाई ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। तब तुम वह चांदी जिससे तुम्हारी खुदी हुई मूर्तियां मंडी है, और वह सोना जिससे तुम्हारी ढली हुई मूर्तियां आभूषित है, अशुद्ध करोगे। तुम उनको मैले कुचैले वस्त्र के समान फेंक दोगे और कहोगे, दूर हो। वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको, और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुदायत से होगी। उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चराई मिलेगी, और बैल और गधे जो तुम्हारी खेती के काम में आएंगे, वे सूप और डालिया से फटका हुआ स्वादिष्ट चारा खाएंगे। उस महासंहार के समय जब गुम्मट गिर पड़ेंगे, सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और पहाड़ियों पर नालियां और सोते पाए जाएंगे, उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों को घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश 1 दिन में होगा। देखो, यहोवा दूर से चला आता है, उसका प्रकोप भड़क उठा है और धुएं का बादल उठ रहा है। उसके होंठ क्रोध से भरे हुए और उसकी जीभ भस्म करने वाली आग के समान है। उसकी सांस ऐसी उमंडने वाली नदी के समान है जो गले तक पहुंचती है। वह सब जातियों को नाश के सूप से फटकेगा और देश देश के लोगों को भटकाने के लिए उनके जबड़ों में लगाम लगाएगा। तब तुम पवित्र पर्व की रात का सा गीत गाओगे, और जैसा लोग यहोवा के पर्वत की ओर उससे मिलने को जो इज़राइल की चट्टान है बांसुरी बजाते हुए जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे मन में भी आनंद होगा। और यहोवा अपनी प्रतापी वाणी सुनाएगा और अपना क्रोध भड़काता और आग की लौ से भस्म करता हुआ और प्रचंड आंधी और अति वर्षा और ओलों के साथ अपना भुजबल दिखाएगा। अशुर यहोवा के शब्द की शक्ति से नष्ट हो जाएगा, वह उसे सोंटे से मारेगा। जब जब यहोवा उसको दंड देगा, तब तब साथ ही डफ और वीणा बजेगी, और वह हाथ बढ़ाकर उसको लगातार मारता रहेगा। बहुत काल से तोपे तैयार किया गया है, वह राजा ही के लिए ठहराया गया है, वह लंबा चौड़ा और गहरा भी बनाया गया है। वहाँ की चीता में आग और बहुत सी लकड़ी है, यहोवा की सांस जलती हुई गंधक की धारा के समान उसको सुलगाएगी। भजन संहिता 68 अध्याय 11 से 20 तक। प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले जाते हैं, और गृहस्थिन लूट को बांट लेती है। क्या तुम भेड़शाला के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होगे जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मंढे हुए हो? जब सर्वशक्तिमान ने उसमें राजाओं को तीतर बीतर किया, तब मानो सलमोन पर्वत पर हिम पड़ा। भाषान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है, भाषान का पहाड़ बहुत शिखर वाला पहाड़ है। परंतु हे शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत को घूरते हो जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है, और जहां यहोवा सदा वास किए रहेगा? परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार है, प्रभु उनके बीच में है जैसे सीने पवित्र स्थान में है। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया,
तूने मनुष्यों से वरन हटीले मनुष्यों से भी भेंटे ली, जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है।